हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल के अंदर हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग क्या है और इसे कैसे रिपेयर किया जाता है। तो पहले मैं आपको डायग्राम पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है मोबाइल पीसीबी का आपको समझाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इसका ये बैटरी कनेक्टर है और ये ग्राउंडिंग लाइन है जो नेगेटिव है और ये पॉजिटिव लाइन है। ग्राउंडिंग जो लाइन है वो पूरे मदरबोर्ड में फैली हुई होती है और पॉजिटिव लाइन ये प्लस लाइन है बैटरी की, ठीक है। तो ये जहाँ भी मैंने इधर से दिखाए हैं सब ये ग्राउंडिंग है, ये सब ग्राउंडिंग है कंपोनेंट, ठीक है। और ये रजिस्टर मैंने आर से इंडिकेट किए, डायोड डी से, कैपेसिटर सी से, ये कैपेसिटर सी से, और कोइल्स पे मैंने कोइल्स लिख दिया। तो अब देखिए, जब यहाँ से सप्लाई दी जाती है बैटरी की, ठीक है, और एक ग्राउंडिंग होती है, तो ये रजिस्टर होके यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट लगे होते हैं, ठीक है। अब पैरेलल कंपोनेंट कैसे लगे होते हैं, वे ग्राउंडिंग से और प्लस लाइन से मिले हुए होते हैं। तो जैसे कैपेसिटर लगे पैरेलल में, डायोड लगे होते हैं रेगुलेटिंग डायोड पैरेलल में, और आईसीज लगी होती हैं। अब होता क्या है, अगर ये कंपोनेंट कोई भी ग्राउंडिंग से मिल जाए, यानी ये ब्रिक हो जाए कंपोनेंट, जैसे कैपेसिटर ब्रिक हो गया, ये खुल गया, ओपन हो गया, तो और ये ग्राउंडिंग से मिल गया, तो क्या होगा, या आईसी कहीं से ग्राउंडिंग हो जाए या कोई भी हमारा डायोड ग्राउंडिंग हो जाए, तो क्या होगा, हमारी जो बैटरी का करंट है वो यहीं पर इस पॉइंट ग्राउंड से हुआ तो यहीं रुक जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा मोबाइल ऑन नहीं होगा। तो ये होता है फुल शॉर्टिंग। और फुल शॉर्टिंग जो होता है, पैरेलल कंपोनेंट ग्राउंडिंग से मिलने को ही फुल शॉर्टिंग कहते हैं मोबाइल में, ठीक है। और इससे जो रीजन, ये जो इसकी वजह से, फुल शॉर्टिंग वजह से मोबाइल में क्या होता है कि मोबाइल जो है वो ज़्यादातर ऑन नहीं हो पाता। जब ग्राउंडिंग से प्लस लाइन मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है कि मोबाइल ऑन नहीं होगा, सप्लाई आगे नहीं जाएगी, मोबाइल ऑन नहीं होगा। और अब हम देखते हैं ये चेक कैसे किया जाता है मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास मोबाइल्स हैं, पहले मैं आपको छोटे मोबाइल की चेकिंग दिखा देता हूँ, फुल शॉर्टिंग कैसे चेक की जाती है, ठीक है। अभी तो फ्रेंड्स, हमें जो है मल्टीमीटर को जो है क्या करना है, कंटिन्यूटी मोड पे रखना है, ठीक है, और एक रोड को ग्राउंडिंग कर देनी है। ये ग्राउंडिंग, यानी मैंने ये ग्राउंडिंग कर दी, और एक रोड को जो इसकी हम प्लस लाइन पर लगाते हैं। ये देखिए, ये ग्राउंडिंग है, ये देखिए मीटर में ग्राउंडिंग, और यह है पॉजिटिव लाइन, ये देखिए। तो ये है 406 नंबर रीडिंग आ रही है, ठीक है। अब जो एक साइड, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो है चेकिंग करने का, शॉर्टिंग चेक करने का मोबाइल के अंदर, फुल शॉर्टिंग चेक करने की रीडिंग जो होती है, एक साइड से बैटरी कनेक्टर पर, एक साइड से जो है वो जो है 200 से, यानी 200-250 से ऊपर होना चाहिए रीडिंग, और दूसरी साइड से कुछ नहीं आनी चाहिए, या कुछ आके थोड़ा सा नंबर आके एकदम से चले जाना चाहिए, या हाई रेजिस्टेंस आना चाहिए, यानी जैसे 1300-1500 इतना नंबर, ये हैं फुल शॉर्टिंग के नंबर, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है प्रोड को चेंज कर दिया, वो देखिए प्लस लाइन पे रेड लगानी है अब हमें। अब देखिए मल्टीमीटर में क्या होगा, ये आई नंबर और चले गए, ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा दिया, ये आई नंबर और चले गए, तो इसका मतलब क्या, मोबाइल बिल्कुल ओके है हमारा। तो ये है इस तरह से फुल शॉर्टिंग चेक की जाती है। या आप ऐसे करना, पॉजिटिव पे पहले पॉजिटिव लगाना मल्टीमीटर, ये मेरे हाथ में ज़रा एक हाथ में कैमरा है इसलिए मैं नहीं कर पा रही इस तरह, ये इस तरह से लगाना पॉजिटिव पे रेड और नेगेटिव पे ग्राउंडिंग पे ब्लैक लगाना, एक तरफ से नंबर आना चाहिए 250 से ऊपर और दूसरी तरफ पर कुछ नहीं आना चाहिए रीडिंग, या आके कुछ चला जाना चाहिए, या हाई रेजिस्टेंस आना चाहिए 1300-1500-1000 इतने नंबर आने चाहिए। तो इस तरह से मोबाइल, ये अगर नंबर आते हैं तो हमारा मोबाइल बिल्कुल ओके है, ठीक है। और हम जो है इस शॉर्टिंग को हम डीसी मशीन से भी चेक कर सकते हैं। डीसी मशीन से कैसे चेक की जाएगी,
हम जो है बैटरी कनेक्टर है पॉजिटिव पर डीसी मशीन की पॉजिटिव प्रोड लगा देंगे और नेगेटिव पर जो है डीसी मशीन की नेगेटिव प्रोड लगा देंगे और डीसी मशीन जैसे ही ऑन करेंगे हम तो जो डीसी मशीन है बीप देने लगेगी, तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो मोबाइल है शॉर्ट है। ठीक है, तो ये तो हमने मैंने बता दिया आपको इतना कि मोबाइल के अंदर हाफ शॉर्टिंग क्या होती है और हाफ शॉर्टिंग को चेक कैसे किया जाता है ये बता दिया। अब हाफ शॉर्टिंग को रिपेयर कैसे किया जाता है अब मैं ये आपको बताता हूँ। ठीक है, तो हाफ शॉर्टिंग को रिपेयर करने का क्या तरीका है ये मैं आपको देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक और दूसरी पीसीबी है नोकिया की, इस पर मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको हाफ शॉर्टिंग या फुल शॉर्टिंग। ये देखिए फुल शॉर्टिंग ये देखिए मल्टीमीटर की ये जो है ग्राउंडिंग हो गई। ठीक है, अब जो है हम पॉजिटिव पर ब्लैक लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 250 से ऊपर आ रही है, 358 रीडिंग आ रही है। ठीक है, अब जो हम चेंज कर देंगे प्रोड को, ये हम प्रोड को चेंज देखिए दोस्तों, ये मैंने प्रोड चेंज कर दी। ठीक है, प्रोड चेंज कर दी, अब जो है रेड हम बैटरी के इस कनेक्टर पे लगाते हैं और देखिए रीडिंग क्या आ गई। देखिए कुछ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये मैंने इस पर लगा रखा कुछ नहीं आ रही, तो इसका मतलब जो हमारा मोबाइल ये बिल्कुल ओके है, शॉर्ट नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक मोबाइल ये एंड्रॉयड मोबाइल में भी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये पॉजिटिव है और ये ग्राउंडिंग है। ये देखिए एक साइड से ये 334 नंबर आया, यानी 250 से ऊपर है एक साइड पर, दूसरी साइड पर कुछ नहीं आना चाहिए या कुछ आके चला जाना चाहिए। अब हम जो है प्रोड को चेंज करते हैं बैटरी कनेक्टर के, ये मैंने चेंज कर दी। और ये देखिए आके कुछ चला गया, तो ये इस तरह से हाफ शॉर्ट या फुल शॉर्टिंग चेक की जाती है। ये मोबाइल भी बिल्कुल ओके है, इसमें भी फुल शॉर्टिंग नहीं है। अब जो मैं बताता हूँ फुल शॉर्टिंग रिपेयर कैसे की जाती है, रिपेयर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक प्रोड को जो हमें रेड को जो है हमें ग्राउंडिंग कर देनी है। अभी दोस्तों फुल शॉर्टिंग रिपेयर कैसे की जाती है, तो हमें जो है पैरेलल के कंपोनेंट जो जितने भी जैसे डायोड है, कैपेसिटर है, आईसीस है, उनको चेक करना पड़ता है। उन्हें चेक करने का तरीका क्या है, हमें जो है एक प्रोड को यानी रेड प्रोड को मल्टीमीटर की ग्राउंडिंग कर देना है, और जैसे ये एक डायोड है इस पर एक तरफ से जो है जो बीप आनी चाहिए और एक तरफ से नंबर, तो एक साइड से देखिए रीडिंग आ रही है। ठीक है, ये डायोड की एक साइड से रीडिंग आ रही है और दूसरी साइड से ये देखिए ये बीप आनी चाहिए। तो इस तरह से चेक करें, अगर दोनों साइड से बीप आ रही है या तो क्या है, हम उसी कंपोनेंट को चेक करेंगे। जैसे ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर ये देखिए, ये फ्रेंड्स एक साइड से नंबर आ रहा है और दूसरी साइड से बीप आ रही, तो ये पैरेलल कंपोनेंट इस तरह से चेक करेंगे। डायोड पे एक साइड से बीप, एक साइड से रीडिंग, कैपेसिटर पे एक साइड से बीप, एक साइड से रीडिंग। ये चेक करने के बाद अगर दोनों तरफ से रीडिंग बीप आ रही है तो उसी कंपोनेंट को हम चेक करेंगे। ठीक है, अब जो है अब एक तरीका और है इसको चेक करने का। अब आईसीस तो हम पता नहीं कर सकते कि मल्टीमीटर से चेक नहीं हो सकती, अब हम मल्टीमीटर से अब जो हम चेक करेंगे आईसीस को चेक करेंगे। क्या होता है, हम जो है डीसी मशीन से आईसी चेक करेंगे। हर अगर हमें मल्टीमीटर से कैपेसिटर पे डायोड पे कोई डायोड या कैपेसिटर शॉर्ट नहीं मिल गया, तो हम जो है डीसी मशीन से चेक करेंगे हमारे मल्टीमीटर में यानी हमारे मोबाइल में शॉर्टिंग किस तरह से रिपेयर करें। हम जो है डीसी मशीन को पॉजिटिव पे पॉजिटिव उसकी उस कनेक्टर की पॉजिटिव पे पॉजिटिव दे देंगे हम, और नेगेटिव पे नेगेटिव पावर दे देंगे, और डीसी मशीन को 4 वोल्ट पे करके मोबाइल को जो कनेक्टर लगा देंगे हम पॉजिटिव पे पॉजिटिव मोबाइल के कनेक्टर पे उसकी डीसी मशीन की प्रोड, और नेगेटिव पे नेगेटिव प्रोड लगा के डीसी मशीन को ऑन करेंगे 4 वोल्ट पे, और लगभग 1-2 मिनट हम रहने देंगे ऐसी मोबाइल। फिर जो है हम हर कंपोनेंट को
अपने हाथ से छू के देखेंगे कि कोई सा कौन सा कंपोनेंट हमारा गर्म हो रहा है। जो उन सभी कंपोनेंट हमारा गर्म होगा तो हम उस कंपोनेंट को निकाल देंगे और इस तरह से फुल शॉर्टिंग क्यों मोबाइल की रिमूव कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कोई सवाल हो तो कमेंट करें। फ्रेंड्स, मैं इसमें हाफ़ शॉर्टिंग भी कवर कर लेता लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं अगली वीडियो में आपको हाफ़ शॉर्टिंग कैसे रिपेयर करते हैं और हाफ़ शॉर्टिंग क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा। तो आज अभी तक के लिए बस इतना ही इस वीडियो में।